ये एक ही कब्र है या और भी कोई कब्र एक ही थी? कब्र है। एक ही कब्र है। अच्छा, दोनों की एक ही है कि दोनों सुनते की हैं? एक ही है। दोनों की एक ही है। अच्छा, पहले कुछ लोग ये बताते हैं ना कि उम्र तोता की अलग थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तोता मैना की कब्र। तो दोस्तों, ये जो तोता मैना की कब्र है ये बहुत ही पुरानी है। बताया जाता है कि इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और उस कब्र को आपको अभी। दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर, ये गांव है कबलपुर, वहाँ से आ रहा है। और दोस्तों, ये इधर से कुछ इस प्रकार से नज़ारा रहेगा। ये कहाँ जा रहा रास्ता? ये कहाँ? ये कबीरसराय जा रहा है, संभल जी। और देखिए, यहाँ पर है ये जो है तोता मैना की कब्र है, और यहाँ के कुछ ही जो स्थानीय निवासी हैं इनसे इस कब्र के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले आपको कब्र दिखाते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? ये देखिए, ये तोता मैना की कब्र है, और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, शायद आपकी समझ में आ जाए, वरना इसे दुनिया में आज तक बहुत सारे लोग इसे देखने आए और पढ़ने की कोशिश की, पर इसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। दोस्तों, ये जो कब्र है इसे पृथ्वीराज चौहान, जो कि कुछ समय के लिए संभल में आए थे, तो उन्होंने इसे बनवाया था। जब वो जंगल में शिकार के लिए जाते थे तो वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा तोता मैना का जोड़ा रहता था। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इधर भी कुछ लिखा हुआ है, अरबी, फारसी या उर्दू किस भाषा में है ये आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। अगर आप पढ़ पाएँ और समझ पाएँ किस भाषा में है और क्या है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको दूसरी तरफ का व्यू दिखाता हूँ मैं। यहाँ भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दोस्तों बताते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान जंगल में घूमने जाते थे तो दोस्तों उनके लिए वहाँ पर एक तोता मैना का बहुत ही प्यारा सा मिलता था, जोड़ा दिखाई देता था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको तोता मैना की कब्र दिखाई। और दोस्तों, यहाँ जो तोता मैना का जो जोड़ा मिलता था उन्हें वहाँ, तो ये जोड़ा जो था इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जानकारी नहीं है कुछ? कभी पूर्वजों से कुछ सुना हो? तो मैंने कब्र सुनी। अच्छा, कब्र के बारे में सुना आपने? तो काफी उम्र के हैं, कुछ नहीं सुना? तो दोस्तों, जैसा कि इतिहास में लिखा है कि कब्र जो बनाई गई है यहाँ पर तोता मैना की, तो जो तोता मैना थे दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, और ये अक्सर घोड़े पर चलते थे दोनों साथ साथ। हुआ क्या दोस्तों, एक दिन इनमें से एक प्राणी मर गया, और उसी की याद में दूसरे ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। दोस्तों, जब ये खबर पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने इनकी कब्र यहाँ पर बनवा दी, जो कि संभल से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आप आसानी से इस मज़ार पर आ सकते हैं और यहाँ कर जिसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसे कई बार लोगों ने इसकी खुदाई भी करने की कोशिश की। देखिए, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन इसे कोई खोद नहीं पाया। ये देखिए यहाँ से खोदने की कोशिश की, पर इसे कोई नहीं खोद पाया। ये देखिए, ये भैया बता रहे हैं, इनके रहने वाले हैं ये, यहाँ से भी इसे खोदने की कोशिश की, ये देखिए, पर इसकी कोई भी खुदाई नहीं कर पाया। क्यों, ऐसा ही है ना? यही सुना है आपने? इसमें कुछ मिला थोड़ा खोदा तो? सुरंग है। सुरंग है। अच्छा, ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जाती है। ये जो कब्र है, इस कब्र के बारे में बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के ज़माने से
तो दोस्तों इसके बारे में अगर आपको जो मैंने अभी आपको इसकी आयतें दिखाई इस पर लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज़ एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये एक ही कवर है या और भी कोई कवर थी? एक ही कवर है। अच्छा, दोनों की एक ही है कि सुनते हैं? दोनों की एक ही है। अच्छा, पहले कुछ लोग ये बताते हैं ना कि मतलब तोता की अलग थी, मैना की अलग थी। अच्छा, दोनों की एक ही जगह बनवा दी है। अच्छा अच्छा, तो इसी को तोता मैना की कवर। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।